सैरिया समाज की 84 महापंचायतों की अध्यक्ष बोली, पहले भी कांग्रेस को जिताया था, इस बार भी कांग्रेस को जिताएंगे, जनता को जागरूक करने गांव गांव जाएंगे। आदिवासी बाहुल सीट पर कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में आदिवासी समाज से आने वाले मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतार दिया है। वहीं अब 84 महापंचायतों को जुझारू अध्यक्ष टुंडाराम लांगोरिया ने भी अपनी टीम के साथ जनसंपर्क तेज कर दिया है। अब वहां उपचुनाव में कांग्रेस की पक्की जीत का पूरा दावा कर रहे हैं। कराहल संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 84 महापंचायत सैरिया समाज के अध्यक्ष हो, इस बार कांग्रेस ने आदिवासी प्रत्याशी उतारा है, क्या सोच रहा है आपका समाज इस बार? देखिए, करहाल विजयपुर में 70,000 आदिवासी है, इस बार आदिवासियों ने मन बना लिया है कि इस बार चेहरा साफ हो चुका है, भाई मुकेश मल्होत्रा जी को टिकट मिल चुका है और हमारी 84 महापंचायत की टीम लगातार संपर्क में है, गाँव गाँव जा रही है। पिछली बार भी कांग्रेस का सपोर्ट किया था हमारी 84 महापंचायत ने और इस बार भी कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे। पिछली बार तो कांग्रेस में सपोर्ट किया तो कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन इस बार जो कांग्रेस से लड़े थे वो बीजेपी की तरफ है। जी हाँ, वो बहुत सही बात है। देखिए, नेताओं का काम होता है दल बदलना, लेकिन हमारी टीम ऐसी है जो कभी दल ना तो दल बदलती और ना आदमी बदलती, पार्टी देखती है, पार्टी के लिए काम करती है और हमारा प्रत्याशी हमारा है, इसलिए हम लोग इस बार जी जान से काम करेंगे। जो डराएगा धमकाएगा उसको हम लोग देख लेंगे। हमारी टीम बहुत बड़ी है, लंबी है, गाँव गाँव जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, पटेल है, प्रधान है, हमारे मुखिया है, सबसे बातचीत करेंगे हम लोग। क्या लग रहा है इस बार के सरकार को हरा पाओगे? सरकार लड़ रही है चुनाव का जी, लड़ें तो सरकार कोई दिक्कत नहीं, हमारा शरीर समाज इतना कमजोर भी नहीं है, सच्चा मैं समझ चुका है और हमारा प्रत्याशी इतना मजबूत है कि उसको हराना बीजेपी की बस की बात नहीं है। अच्छा, तो लगभग जीतते हैं माने इस बार? जी हाँ, बिल्कुल जीतते हैं, हम लोगों ने ठान लिया है मन में कि हमारी जीत होगी इस बार, शरीर समाज की और विकास की जीत होगी। क्या लग रहा है आज कुछ विधायक भी आए कांग्रेस के क्षेत्र का दौरा करने आए हैं क्या? जी हाँ, ग्वालियर से विधायक आए थे साहब सिंह गुर्जर जी, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं में जान डाल दी है। लगातार क्या विधायक आएंगे यहाँ पर? जी हाँ, लगातार जयवर्धन जी लगातार संपर्क में है और यहाँ उनको प्रभारी बनाया गया है और जितने भी कैलाश कुशवाहा जी हैं, बाबू जंडेल जी हैं, सारे जितने भी विधायक हैं सबको लगा दिया गया है चुनाव में।